संजय राउत को लेकर घर से निकली ईडी की टीम, इस वक्त तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखें आप। हिरासत में लिए गए शिवसेना नेता संजय राउत, 9 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में संजय राउत। पात्रा चाल घोटाला मामले में ईडी ने की कार्रवाई। संजय राउत को लेकर घर से निकली ईडी की टीम, ये देखें आप। आपके सामने सुबह 7 बजे से संजय राउत से पूछताछ हो रही थी। अखिलेश, एक एक अपडेट दीजिए तुरंत। अखिलेश, एक एक जानकारी दीजिए। संजय राउत से पूछताछ और संजय राउत को ईडी की टीम लेके निकल रही है, पूरे परिवार के साथ उनसे बातचीत की गई। संजय राउत से 7 बजे सुबह आज ईडी की टीम उनके घर पर पहुंचती है और उसके बाद यह घटनाक्रम आपके सामने। पात्रा चाल घोटाला मामला, मयूरेश हमारे साथ जुड़ चुके। मयूरेश बताइए क्या क्या इंफॉर्मेशन है। संजय राउत के समर्थन में यहां पे आए थे, उनको पकड़ पकड़ के जो है वो गाड़ियों में डाला जा रहा है। इसका क्लियर इंडिकेशन ये है कि थोड़ी देर में संजय राउत जो है उन्हें शायद से यहां से लेके जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो जबरन इन कार्यकर्ताओं को पुलिस वैन में भर रही है। सुबह से ये कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे थे और ये कार्यकर्ता जो है वो नारेबाजी कर रहे थे, ईडी के खिलाफ नारेबाजी चल रही थी इनकी। इनकी नारेबाजी जो है वो संजय राउत के फेवर में थी या संजय राउत के सपोर्ट में थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि पुलिस ने जो है अब इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। कैमरा सेट जतिन के साथ मयूरेश गणपते, TV9 भारतवर्ष के लिए मुंबई से। के सामने किस तरीके से संजय राउत को यहां पर हिरासत में लिया गया, उनके जो समर्थन में लोग खड़े थे उनको हिरासत में लेके डिटेन करके उनको लेके जाया जा रहा है। सुबह 7 बजे से ईडी जो थी उनके साथ पूछताछ कर रही थी और अब संजय राउत को डिटेन कर लिया गया है, ईडी दफ्तर लेके जाया जा रहा है। पात्रा चाल घोटाला मामला है। अखिलेश जी हमारे साथ है। अखिलेश जी बताइए क्या क्या इंफॉर्मेशन है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि यहाँ से संजय राउत को ईडी लेकर निकल गई है, पिछले गेट से दरवाजे से निकाला गया है। उनकी मम्मी और उनकी पत्नी ने आकर विंडो से सभी शिवसैनिकों का आभार प्रकट किया है, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में शिवसैनिक इकट्ठा हुए थे। दोनों गेट पे पूरा जाम लगा हुआ था और ये लग रहा था कि यहाँ से जाने के लिए काफ़ी मुश्किलें आएंगी, तो केंद्रीय बल यहाँ पर लगाया गया था, साथ ही मुंबई पुलिस के जवान थे। लेकिन अब यहाँ से बेलाड पियर ले जाया जाता है, वहाँ पूछताछ की जाएगी, क्योंकि घर में जो पूछताछ की जा रही थी वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे थे। उसके साथ ही ईडी ने जो चेकलिस्ट लाया था वो चेकलिस्ट के मुताबिक भी जो उन्हें डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे थे, लिहाजा उन्होंने 8 घंटे के बाद अब उन्हें हिरासत में लिया है, उन्हें ले जा रहे हैं। और जैसे ही उन्हें अरेस्ट दिखाया जाता है अगर ईडी दफ्तर में, उसके बाद उनका मेडिकल कराया जाएगा और कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी निशा, अखिलेश ये भी बताया जा रहा है कि उनके कई समर्थक जो हैं वो भी हिरासत में लिए गए। जी बिल्कुल, 3 जगह पे जो है ये रेड चल रही थी, इनके जो बहुत ही क्लोज समर्थक हैं वो दोनों लोग को हिरासत में ली गई है। 3 जगह पे रेड चल रही थी तो ये पूछताछ पैरेलली तीनों जगह पे चल रही थी और उन्हें हिरासत में लेके अब इनसे क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से धमकी का एक ऑडियो क्लिप इनका वायरल हुआ था, एक गवाह बनी थी स्वप्ना पाटकर महिला, जिस गवाह को इन्होंने धमकाया था और काफ़ी गाली गलौज किया था उससे कि जो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम से वो मेरे नाम किया जाए, नहीं तो ठीक नहीं होगा और तुम्हारी क्या औकात है उसे मैं जल्द बताऊंगा, ऐसी धमकी इन्होंने दिया था। उस धमकी के बारे में भी NC दर्ज हुई थी सांताक्रूज पुलिस स्टेशन वकोला में और अब उसे बांद्रा कोर्ट ने FIR में तब्दील करने के लिए भी कह दिया है। तो अब संजय राउत की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, अगर FIR वहां दर्ज होता है तो पुलिस स्टेशन में भी इनसे पूछताछ होगी, इसके वाइस सैंपल भी चेक किए जाएंगे और साथ में ईडी में जो मामला चल रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी पत्रावाला चाल मामले में, जो घोटाला हुआ था, जो पैसे आए थे इनकी वाइफ के खाते में वो कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, दूसरे देश में गया है, उस पूरे मामले पर इनसे पूछताछ होगी। आप जो जानकारी दे रहे हैं मयूरेश,
इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूरेश, आप ये बताइए अभी इस वक्त कहां लेके जाया जा रहा है आपका फ्रेम? कैमरामैन को बोलिए आप लाइव फ्रेम पर हैं, उसको जरा ठीक से लॉक करें। और मैं ये जानना चाह रहा हूं अभी कहां पर एग्जैक्टली लेके गए संजय राउत को? देखिए अभी तक इस बैक गेट जहां पे फिलहाल मैं खड़ा हूं वहां से संजय राउत को नहीं निकाला गया है। आप देख सकते हैं पुलिस फिलहाल यहां पे जो कार्यकर्ता है उन्हें डिटेन कर रही है। ये तीसरी वैन है जो पुलिस की आई है और कार्यकर्ताओं को पहले डिटेन किया। आप यही निशान आपको दिखाना चाहेंगे कि यही वो जगह है जहां पे कार्यकर्ता सुबह से नारेबाजी कर रहे थे, अब उनको यहां से लेके गए हैं। अब इसके बाद क्या संजय राउत इस गेट से बाहर आते हैं या नहीं वो देखना दिलचस्प है, क्योंकि अभी तक संजय राउत की या फिर ईडी की अफसर की कोई भी व्हीकल यहां से बाहर नहीं आई है। इसका मतलब वो अभी है। एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा कि अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखा पाए, संजय राउत का ये घर है, ये जो सफेद तीन मंजिला बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये संजय राउत का घर है और उसके बगल में ही ये जो नया कंपाउंड वॉल बनाया है। कहा यह जा रहा है कि संजय, आप देख सकते हैं सुनील राउत यहां पे आए, देखिए सुनील राउत संजय राउत के भाई जो है, सगे भाई और शिवसेना के एमएलए हैं सुनील राउत, वो यहां पे आए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को शांति बरकरार रखने की वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई हंगामा यहां पे ना करे, शांति बरकरार रखे। आप देख सकते हैं सुनील राउत है, सुनील राउत एक मिनट साहब सुनील राउत के साथ साथ यहां पे एमएलए भी है, कोरगांवकर है, और आप बात करना चाहेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे हम निशान सुनील राउत से। जी 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 लिया गया क्या सुनील बाबू? अरे बघा, ईडीने ज्याच्यासाठी समन्स पाठवलं होतं पत्राचा, पत्राचा एकही डॉक्युमेंट्स मिळालेलं नाही, कळलं का? जे डॉक्युमेंट्स पूर्वी ईडीने बोलवलं होतं तेच डॉक्युमेंट्स आता घेऊन गेलेले आहेत आणि आता ईडीने समन्स जस्ट दिलेलं आहे। राऊत साहेब आता ईडीच्या ऑफिसमध्ये जातील, त्याच्यानंतर ते म्हणाले आम्ही स्टेटमेंट घेऊ असं म्हटलेलं आहे, परंतु आता आम्ही सगळे तिथे चाललेलो आहोत, ईडीच्या ऑफिसमध्ये नंतर पाहू। थे सुनील राऊत उनके भाई जिन्होंने कन्फर्म किया है कि थोड़ी देर में राउत जो है संजय राउत वो ईडी दफ्तर जाएंगे, उन्हें ईडी दफ्तर में लेके जाएंगे और थोड़ी देर में उन्हें लिया जाएगा। खाली जाओ ना भाव क्या करता है, तो थोड़ी देर में उन्हें ईडी के दफ्तर में जो है वो लेके जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं सुनील राउत उनके भाई। उन्होंने ये भी कहा कि पत्राचाल के लिए जो पहला समन्स उन्हें आया था उस समन्स को लेके आज ईडी को एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा यहाँ पे तैयारी, आप देख सकते हैं कि पुलिस किस प्रकार से यहाँ पे जो है उन्होंने बैरिकेडिंग की है, पुलिस ने पूरे मीडिया को, जितने लोग जमे हुए, और दरवाजा खुल गया है निशान, दरवाजा जो है वो खुल गया है, ये रेयर गेट, और यही से एक्सपेक्ट है कि संजय राउत को जो है वो ईडी अपने दफ्तर लेके जाए। और देख सकते हैं कि काली गाड़ी आ रही है, मेरे कैमरा पर्सन जतिन आपको दिखा रहे हैं कि काली गाड़ी, देखिए संजय राउत, वो देखिए संजय राउत वेव कर रहे हैं, संजय राउत वेव कर रहे हैं बाहर आके, तो आप देख सकते हैं कि संजय राउत निकले हैं ईडी दफ्तर के लिए, उन्हें डिटेन किया गया है, यही गाड़ी में जा रहे हैं, पूरी तरीके से संजय राउत वेव कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि संजय राउत लोगों का अभिवादन लेते हुए, उन्हें अभिवादन करते हुए जो है वो ईडी दफ्तर जा रहे, हाथ में जो है उनके भगवा, ये हम कहे स्टोल है और भगवा हाथ में दिखा रहे, यही बताना चाहते हैं कि हम अभी भी शिवसेना में है और हम अभी भी जो है वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। देखिए थंब दिखा रहे हैं संजय राउत, तो यही बताना चाहते हैं कि और भी लड़ेंगे, वो देखिए संजय राउत अपनी ताकत दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि और भी लड़ेंगे हम और लड़ते रहेंगे। तो संजय राउत निकले हैं ईडी दफ्तर में डिटेन होने के बाद अपनी गाड़ी से, लोगों को जो है वो अभिवादन ले रहे, थंब दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई आगे जो है वो चलती रहेगी और बरकरार रहेगी। बात करने की कोशिश करिए, राउत साहब, 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 देखिए जो जेस्चर संजय राउत ने अभी किया है आपने देखा होगा, वो दिखाता है कि किस प्रकार से वो कॉन्फिडेंट है। और अब ये काफिला निकल गया है, संजय राउत निकले हैं ईडी दफ्तर के लिए, यहाँ से हम कहे तो तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है और थोड़ी देर में, क्योंकि पुलिस का एस्कॉर्ट उनके साथ है, पुलिस उनका पूरा लाइन क्लियर कर रही है, तो थोड़ी देर में संजय राउत जो है आधे से पौने घंटे में ईडी दफ्तर में पहुंचेंगे, जहां पे वो अपना स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि आज सुबह से उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। आज पहली बार संजय राउत जो आज का दिन का स्टेटमेंट रहेगा वो ईडी दफ्तर में जाके देंगे। निशान,
अच्छा मयूरेश ये बताइए, क्योंकि देखिए संजय राउत की तरफ से लगातार जो बात कही जा रही थी, इससे पहले चाहे 20 तारीख या 27 तारीख का जो समन था, संसद सत्र का हवाला दिया गया था और यह कहा गया था कि 7 अगस्त तक का वक्त दिया जाए, लेकिन अब संजय राउत को हिरासत में ले लिया गया है, वकील को भी बुला लिया गया था संजय राउत की तरफ से जब छापेमारी हो रही थी, तो क्या उनके वकील की तरफ से या फिर उनके किसी सहयोगी की तरफ से कुछ जानकारी आई सामने कि आगे अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि संजय राउत तो अभी फिलहाल कुछ बोले नहीं है। जी, उनके भाई से हमने बात की, उन्होंने मराठी में यही कहा कि आज पूरे दिन पत्राचार को लेकर जो समन आया था उसके पेपर की छानबीन जो है वो ईडी कर रही थी, लेकिन हमारे घर में उससे रिलेटेड कोई भी पेपर उन्हें नहीं मिला और इसीलिए अब उन्हें डिटेन किया गया है। संजय राउत उन्होंने कहा कि जाएंगे ईडी दफ्तर, जो भी निकले हमारे सामने वहां पे जाके वो अपना स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी वो वहीं पे बताई जाएगी कि क्या वो स्टेटमेंट के बाद संजय राउत को हिरासत में जो लिया है क्या उन्हें अरेस्ट किया जाता है या फिर स्टेटमेंट देने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, ये देखना दिलचस्प। लेकिन जैसे इंट्यूशंस आ रहे हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यही आ रही है कि शायद से स्टेटमेंट देने के बाद कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी दिखा के ईडी उन्हें जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी देर रुकना होगा कि क्या होता है, क्योंकि जब तक संजय राउत ईडी दफ्तर नहीं पहुंचते और जब तक वो अपना स्टेटमेंट नहीं देते आगे की कहानी हम नहीं बयां कर सकते। बिल्कुल, लेकिन इस बीच जिस तरीके से मयूरेश सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं, आज जिस तरीके से उनके घर पर टीम घंटों मौजूद रही, 9 घंटे से भी ज्यादा का वक्त पेपर्स को खंगाला गया, यानी अभी भी सैटिस्फाइड नहीं है संजय राउत के जवाब से, इसीलिए अब उनको हिरासत में भी रखा जाएगा और साथ ही आगे की कार्रवाई, आगे की पूरी प्रक्रिया पर तो हम आपसे जानकारी ले ही रहे हैं। जी बिल्कुल, बताया यही जा रहा था कि कहीं ना कहीं संजय राउत जो जवाब दे रहे हैं वो उससे सेटिस्फाइड ईडी नहीं है और कॉपरेट नहीं कर रहे, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी। और हमेशा ये देखा गया कि जब कभी ईडी को और जानकारी लेनी हो और पूछताछ करनी हो तो वो हमेशा उस इंसान को ईडी दफ्तर लेके जाते हैं, तो वही हुआ है, संजय राउत को डिटेन करके ईडी दफ्तर लेके गए हैं। अच्छा मयूरेश ये बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं वहां पर बड़ा जो जमावड़ा हुजूम है वो शिवसेना के कार्यकर्ताओं का भी नजर आ रहा है जो संजय राउत के घर के बाहर इकट्ठा हो गए, क्या उनसे कुछ बात हुई, क्या सेंस, क्या उनसे पता चल पा रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे इस बारे में? जी अभी तो मैंने जैसे पहले भी विजुअल में दिखाया था कि जितने कार्यकर्ता उनके घर के बाहर नारे दे रहे थे उन सभी को पुलिस डिटेन करके ले गई है, लेकिन जब उनसे बातचीत की तो उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं संजय राउत को फंसाने की कोशिश की गई है, ये पूरा वेंडेटा पॉलिटिक्स है, इसीलिए उन्हें पूरा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि संजय राउत ये वोकल थे और जो कुछ गलत चीज़ें हो रही थी उसके बारे में वो बात कर रहे थे और इसीलिए उन्हें इस पूरे मामले में टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस बीच बाहर तो वो आए, हालांकि समर्थक सुबह से उनके घर के बाहर डटे हुए हैं, क्या संजय राउत की तरफ से जाते जाते भी उन्हें कुछ कहा गया? संजय राउत हमने जब देखा कि वो अपने घर से बाहर आए तो हाँ, वो वेव कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, थम्स अप कर रहे थे, अपने दोनों मुट्ठियां बांध के ताकत दिखा रहे थे, हम कहे कि जिस प्रकार से कोई ताकत दिखा रहे थे लड़ाई के लिए जब जाते, जब जिस प्रकार से ताकत दिखाते वैसे दिखा रहे थे। हमने जाते जाते उनसे बात की कि संजय राउत जी कुछ कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा और लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ते रहेंगे, हम देख लेंगे, ऐसा करके इस आवेश में आके उन्होंने बात की और अपने गाड़ी से आगे चले गए। और ये तो वो सुबह से कर भी रहे हैं, जो बैक टू बैक सुबह उनकी तरफ से 3 ट्वीट किए गए मयूरेश, उसमें भी उन्होंने कहा डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, जितना मर्जी दबाव बना लो छोड़ेंगे नहीं शिवसेना का साथ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, यही पोस्चर उन्होंने अभी भी रखा है। अब ये देखना दिलचस्प है कि आगे किस प्रकार से पूछताछ उनसे होती है। अच्छा, लेकिन मयूरेश जो कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं, जो ताकत दिखाने की कोशिश, मयूरेश जो कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं अभी जब ईडी उनको अपने साथ लेकर गई है, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? क्योंकि ये 2010 का जब मामला था निकलकर सामने आया और जिन प्रवीण राउत का नाम लगातार सामने आ रहा है, जिनके अकाउंट में HDIL की तरफ से पैसे ट्रांसफर किए गए, जो आरोप लगा, जो पत्राचौल का ये पूरा मामला है, प्रवीण राउत को बताया जाता बेहद करीबी है, काफी गहरी दोस्ती है संजय राउत के साथ, तो ये कॉन्फिडेंस कैसे नजर आ रहा है, क्योंकि प्रवीण राउत का मुख्य तौर पर नाम आ रहा है। जी बिल्कुल, प्रवीण राउत तो ऑलरेडी ईडी की हिरासत में है इसी मामले को लेके, उसके बाद सुजीत पाटकर जो
और एक नजदीकी संजय राउत से है, और जो महिला है पाटकर जिन्होंने संजय राउत के खिलाफ कंप्लेंट की उनके पति है, उनको भी ईडी ने जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया था। तो इस कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं संजय राउत कहते हैं कि जो पैसे हमने या मुझे ट्रांसफर हुए थे उसमें से कई सारे पैसे जो है वो वापस किए गए हैं और वो अकाउंट्स में दिख रहा है, इसलिए मैं क्लीन हूँ और पत्राचाल में मुझे कोई भी किकबैक नहीं मिले हैं या मुझे कोई भी घूस नहीं मिले। नहीं नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है मयूरेश, देखिए बहुत बड़ी बात है संजय राउत अगर जो बोल रहे हैं, क्योंकि जो आरोप लगा कि प्रवीण राउत की जो पत्नी है उन्होंने संजय राउत की पत्नी के खाते में 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, 2010 का पूरा मामला है जो ये आरोप लगा, और इसमें अगर संजय राउत बोलते हैं कि 55 लाख रुपए जो एक आंकड़ा आ रहा है उसको वापस ट्रांसफर किया गया, यानी कि पैसा इधर से उधर तो हुआ, आरोप तो ये लग ही रहा है। जी बिल्कुल, आरोप ये लग रहा है, लेकिन यही देखना दिलचस्प है कि इसको कोर्ट में कैसे डिफेंड करेंगे, क्योंकि कोर्ट जो है वो हमेशा पेपर मांगता है, कोर्ट जुबानी जो लफ्ज है उसके ऊपर विश्वास नहीं रखता, कोर्ट कहेगा कि अगर आपने किए हैं तो पहले लिए क्यों या आपने ट्रांसफर करवाए क्यों। जी ये सवाल तो सबसे अहम है, जो वो भी मानना चाहेंगे क्योंकि उनके अकाउंट में पैसे तो आए, तो वो कैसे डिफेंड करते हैं अपने आप को, क्या दलीलें रखते हैं, यही देखना आज अभी दिलचस्प होगा। चलिए, तो बड़ी खबर आज की हम बता रहे हैं किस तरीके से सुबह से 10 ऑफिसर्स की ये टीम मयूरेश बताई जा रही है जो उनके घर पर मौजूद रही। सवाल अभी भी ये है, क्या आज सिर्फ संजय राउत यानी परिवार के जो और बाकी लोग थे उनसे भी सवाल जवाब हुए, क्या उन सभी अकाउंट डिटेल्स को खंगाला गया, क्योंकि बड़ी भूमिका न सिर्फ संजय राउत बल्कि उनके करीबी, उनकी पत्नी, सभी का नाम जिस तरीके से पूरे स्कैम में है, इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है मयूरेश। जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन का दायरा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन जो बताया गया वो यही है कि सुबह से कोई भी पूछताछ नहीं। और हमारे साथ अखिलेश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उस काफिले के साथ हैं जिस काफिले में संजय राउत को ले जाया जा रहा है। अखिलेश, क्या अपडेट, कहां तक पहुंचा ये, उन्हें लेकर ईडी का ये जो काफिला है वो कहां तक पहुंचा है और आगे की जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए संजय राउत को लेकर ईडी वाले अब अभी घाटकोपर जो रमाबाई हाईवे है वहां से आगे गुजर रहे हैं। तो आपको बता दें कि उनका जो काफिला है, मीडिया को रोकने के लिए पुलिस ने काफी कड़ा बंदोबस्त किया था, मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया ताकि फॉलो नहीं कर पाए, इसलिए हम थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन जो बाइक से फॉलो कर रहे हैं उनके साथ में है, और संजय राउत की जो गाड़ी है उसके पीछे ईडी वाले हैं, उसके साथ में मुंबई पुलिस के जवान, पूरी गाड़ी साथ में जा रही है। घाटकोपर के आसपास ये अभी पहुंचे हैं और वहां से ये फ्रीवे एक्सप्रेस जो है बिना सिग्नल वाला जो 13 मिनट के अंदर इन्हें करीब 30 किलोमीटर पहुंचा सकता है, उस एक्सप्रेस वे को पकड़ेंगे और सीधे बेलाड़ पियर में जहां पर दफ्तर है ईडी का वहां ले जाया जाएगा, वहां पर तगड़ा बंदोबस्त। लेकिन ये देखिए अखिलेश, सवाल ये है कि जब ईडी के दफ्तर लेकर जाया जाएगा तो ईडी की तरफ से अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अभी तक जो 8-9 घंटे की पूछताछ हुई है इसमें सोर्सेस के हवाले से ये खबर आ रही है कि संजय राउत जो सहयोग कर नहीं रहे इस पूछताछ में, तो अगला स्टेप क्या हो सकता है, इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, अगला स्टेप यही है कि उन्हें अभी हिरासत में लिया गया है, जैसे दफ्तर पहुंचेंगे उन्हें अरेस्ट दिखाया जाएगा, अरेस्ट दिखाने के बाद उनका जेजे अस्पताल में मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद कल सुबह उन्हें पेश किया जाएगा कोर्ट में, और उसके बाद उनकी रिमांड ली जाएगी, और रिमांड के बाद पूछताछ जो शुरू होगी वो काफी तगड़ी पूछताछ होने वाली है। अच्छा। क्योंकि जो ईडी के पास सबूत है, अब तक वो हिरासत में नहीं थे इसलिए वो काफी आजाद थे। ईडी दफ्तर का भी हम आगे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी वहां से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन अखिलेश सुबह से आप उनके घर के बाहर मौजूद थे, बताया जा रहा है 10 ऑफिसर्स की टीम आज छानबीन कर रही थी, क्या घर की तलाशी ली गई, घर पर छानबीन हुई, और क्या उनकी पत्नी या परिवार के बाकी सदस्यों से भी आज कुछ जानकारी जुटाई गई? जी बिल्कुल, देखिए उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनसे भी पूरी बहुत जानकारी, जैसा कि मैंने आपको बताया क्योंकि आप भी इस वक्त ईडी ऑफिस का रुख कर रहे हैं, TV9 भारत वर्ष की नजर, और वहां पर भी हमारी टीम है। अब खबर ये आ रही है कि मुंबई ईडी ऑफिस के बाहर भी हलचल काफी तेज हो चुकी है।